ओके तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो बात कर लेते हैं आज अपने को कैसे प्लान करना ट्रेड के लिए। तो सिंपल से जो प्लान बनाना है, इंडेक्स डेटा अगर आप देखेंगे, कल भी मैंने बताया था कि इंडेक्स डेटा जो है वो क्या है कि बुलिश सेंटीमेंट है, प्लस क्या है एग्जिट पोजीशन है शॉर्ट साइड। ठीक है, तो मूवमेंट कॉल साइड का पुश करेगा थोड़ा बहुत मार्केट अप साइड के लिए, अप साइड के लिए मूवमेंट करेगा। बट यहाँ पर FII डेटा अगर आप देखेंगे, इसमें क्या आपका पोजीशन हेजिंग पोजीशन है। ठीक, हेजिंग पोजीशन है, तो जब भी अपसाइड मूवमेंट करेगा तो मार्केट क्या होगा, ड्रॉप यानी सबसे ज़्यादा जो फास्ट मूवमेंट जो होगा वो डाउन साइड होगा, और अपसाइड मूवमेंट क्या होगा, रुक रुक के होगा यानी रेंज होकर होगा। ठीक है, बट ओवरऑल जो मार्केट को जाना चाहिए वो अप ट्रेंड ही जाना चाहिए। ये अपने दिमाग में ये रखना है कि ओवरऑल जो मार्केट जाएगा वो अप ट्रेंड ही जाएगा, बट जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एक फास्ट मूवमेंट हमेशा कैप्चर करना है। जैसे डाउन साइड, जैसे अपसाइड रेंज हुआ, ठीक है, डाउन साइड ब्रेकआउट हो तो फास्ट मूवमेंट आपको कैप्चर करना है, होल्ड नहीं करना है किसी ट्रेड को, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी ट्रेड को आपको होल्ड नहीं करना, और आपको क्विक मतलब प्रॉफिट को बुक करना है। 20 से 40 पॉइंट का आप हमेशा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें, 20 पॉइंट 40 पॉइंट हो गया तो आप एग्जिट करने का पोजिशन प्लान बनाएं। ओके दोस्तों, ठीक है, तो और बात कर लेते हैं कि आगे के अपने को क्या किस तरह से प्लान करना है। एंड जैसे अगर वॉल्यूम की बात करें ओपन इंटरेस्ट का, तो ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखें क्लियरली बुलिश ओपन इंटरेस्ट एंड बेरिश ओपन इंटरेस्ट। बट ओवरऑल जो क्या है कि अगर मैं कहूँ कि बेरिश उन पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, बेरिश उन पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, एंड सेम अगर सिचुएशन अगर हम ये समझे प्रो ट्रेडर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या हाई है। ठीक है, तो यानी अगर सी साइड अगर मार्केट क्या है कि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है एंड पी साइड कम है, तो इसका कहता है रिवर्सल, यहाँ अपोजिट ट्रेड होता है। ठीक है, अपोजिट यानी डाउन डायरेक्शन में। ओके, इसका कहने का मतलब ये ओपन इंटरेस्ट के मार्केट क्या होनी चाहिए, आप और डाउन डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपको प्लान करना है वो आपको मैं आपको बताएं कि क्विक मोमेंटम को कैप्चर करना है। और बात करते हैं इंडेक्स डेटा का, इंडेक्स डेटा अगर आप देख सकते हैं तो सब का सब यहाँ पर क्या है कि अपना बेरिश इंडेक्स डेटा है। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी मार्केट अपसाइड मूवमेंट करे आपको वेट करना है, जैसे ब्रेकआउट हो डाउन साइड आपको तुरंत आपको प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना, और छोटा प्रॉफिट हमेशा बनाने की कोशिश की, 10 से मिनिमम 10 पॉइंट एंड मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं। मिनिमम 10 पॉइंट मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करने का आपको सोचने का, ठीक है, और 10 पॉइंट अपने को क्या है प्रॉफिट बुक करने को सोचने को तुरंत सोचिए। ठीक है, कैसे हम 10 पॉइंट अपने को कैप्चर किया जाए। ठीक, बड़े प्रॉफिट पीछे पड़ेंगे तो आप कोई भी आप ट्रेंड नहीं निकाल पाएंगे फिर। और ओवरऑल सारा का सारा इंडेक्स बेरिश में, तो क्लियरली मार्केट ग्लोबल मार्केट क्या है, बेरिश सपोर्ट करेगा, तो मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में ज़्यादा मूवमेंट करेगा। करेक्ट है, बाकी मैं ट्रेड करूँगा आज, आपको अपडेट करता रहूँगा, 1 बजे तक मैं ट्रेड करूँगा, 1 बजे के बाद मुझे कहीं जाना है। ठीक है, तो 1 बजे तक जितना हो सकेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया आपको क्या प्लान करना है, क्विक मूवमेंट के लिए कैप्चर करना है डाउन साइड लिए। ओके, एंड अप साइड के लिए जब भी मार्केट मूवमेंट करे आपको होल्ड करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।